नमस्कार, स्वागत है आपका बोल बिंदास पर। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार। आज दिल्ली में हुई बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त की मूवी भूमि की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान मूवी के कलाकार संजय दत्त, एक्ट्रेस अति राव हैदरी और मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मौजूद थे। हम आपको बता दें, ये एक इमोशनल ड्रामा मूवी है। दिस फिल्म इज अ फुल कमर्शियल फिल्म बट इट इज अ फादर डॉटर स्टोरी एंड द बॉन्ड दैट दे शेयर एंड व्हाट हैपेंस टू देम एंड हाउ दे टेक रिवेंज विद द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इट I wanted to show the story in a bigger, larger scale. And Baba was the true person to be in this film because, yes, it was a responsibility because it was his comeback film. He chose me because we just went with, Sandeep and me just went with scripts to him and, you know, we were supposed to produce. And unhone bahut achhi tarah chhaat ke bola ki ye bhoomi meri script hai jo main karunga aur Why are you not directing it? So obviously responsibility seedhe mere sar par aa gayi. But thank you, Sanju sir, for trusting me because it's a dream come true for me. And ye lalach tha ke Baba ki comeback film hai. Ek bahut hi acha script hai, tagda script hai, jisse wapsi ho rahi hai. Aur main koshish karta hu ke main apne umar ke characters play karun. क्योंकि अभी मैं और गार्डन में नाच वाच भी नहीं सकता हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। वन दैट आई फील रियली लकी टू हैव बीन पिक्ड फॉर भूमि एंड आई थिंक टू बी डॉटर टू संजू सर्स बाबा इज वॉज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई थिंक संजू सर इज एग्जैक्टली वॉट ही इज And on real, he's like that in real as well. He has a very, very big heart. He has a very protective aura. He is an effortless actor and he makes you better with his performance. So I think all in all, I felt very blessed to have been a part of Bhoomi. It's a very strong, strong film. And it explores this universal bond between a father and a daughter, which I think everybody will relate to. Because of the way that bond is. It's full of love, it's full of protection and I think most importantly it's about strength and that's what Bhoomi is about. इस फिल्म में आपको सबसे बड़ी यूएसपी क्या नज़र आती है, क्योंकि आप रियल में भी एक फादर हैं, आपकी अपने एक बच्चों से एक अटैचमेंट है, तो वो इस फिल्म में कितने काम आई आपके? मैंने अपने बच्चों को ये फिल्म में रिलेट नहीं किया और अरुण सचदेवा और संजय दत्त में बहुत अंतर है। अरुण सचदेवा किस किस्म का पिता है, पिता तो पिता ही होता है वैसे, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन मेरे बच्चों से मैंने आदिति के साथ मैंने रिलेट नहीं किया, क्योंकि अरुण कैसे होना चाहिए एक छोटे शहर में एक छोटी सी फैमिली, मतलब उस हिसाब से मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा चेंज ला दें। पहली बार संजू सर से मिली थी मैं उनको ऑब्वियसली जानती नहीं थी, आई ओनली न्यू हिम एज संजय दत्त एंड इन मेरे दिमाग में वो मुन्ना भाई थे, हैं अभी भी। तो उमंग सर और संदीप सिंह मुझे ले गए थे संजू सर के घर और मैं चुपचाप बैठी हुई थी और एक उमंग सर ने बोला, संजू सर ये डरी हुई है, पता नहीं ये क्या करेगी सेट पे, आई होप यू वॉन्ट बी लाइक दिस अदिति। और मैंने बोला नो नो, यू टर्न ऑन द कैमरा एंड आई बी फाइन, लाइक जस्ट ट्रस्ट मी। एंड संजू सर सेड नो नॉट जस्ट व्हेन द कैमरा इज ऑन, इवन ऑफ कैमरा। एंड उन्होंने मुझे एक हक दिया और वो सच में जादू की झप्पी थी, क्योंकि तब से अब तक आई फील लाइक एक कम्फर्ट है मेरा संजू सर के साथ, मैं उनको कुछ भी बता सकती हूँ। एक और शूटिंग के दौरान भी मुझे ऐसा ही लगा। तो आई रियली वैल्यू द स्टोरी, क्योंकि इट ऑल्सो गेव मी दीज मोमेंट्स टू सॉर्ट ऑफ रिक्रिएट दैट फादर डॉटर रिलेशनशिप विद संजू सर। स्क्रिप्ट में ऐसे बहुत है, बहुत स्वीट चीज़ें, जैसे वो मेरे तेल मालिश कर रहे हैं, एक स्टेयरिंग कॉम्पिटिशन है, मुझे पराठे बनाना सिखा रहे हैं, तो एक बहुत स्वीट इंसिडेंट्स हैं जो, एंड इट मेड मी मिस माई फादर बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर टू कैंसर कपल ऑफ ईयर्स अगो। तो एक बहुत कथाटिक था मेरे लिए टू रीलिव सम ऑफ दीज मोमेंट्स, सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल फॉर मी। अब देखना ये होगा कि संजू बाबा की अपकमिंग मूवी भूमि को लोगों का कितना प्यार मिलता है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं आशीष कुमार, बोल बिंदास, न्यू दिल्ली।